सो बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के दो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। और बच्चा लोग आज की क्लास शुरुआत करेंगे चैप्टर 3 की। बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की, इंडस्ट्रियल सेक्टर की और ट्रेड यानी कि व्यापार की। बट एक चीज याद रखना इस चैप्टर में, ये चैप्टर हमें 1950 1950 से 1990 तक की ही बातें पढ़नी है। अब आपके माइंड में आएगा, सर ऐसा क्यों, ओनली 1950 से 1990 तक क्यों? देखो यार, आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स से, कब मिली थी, 1947 में। अब भाई ब्रिटिशर्स हमारे देश में लूटपाट करके चले गए, रिसोर्सेस को काफी एक्सप्लोइट करके चले गए। यार देश को आगे भी तो बढ़ाना था ना, काफी सारे इंप्रूवमेंट्स करने थे, काफी सारे चेंजेस करने थे जिससे हमारा देश वापस से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के रास्ते पर जा सके। सो 1950 यानी कि आजादी के बाद की बातें, दूसरी 1990 तक की बातें। अब याद होगा आपको 1991 याद है क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी आई थी देश के अंदर, एलपीजी पॉलिसी, जिसे आप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हो बच्चा। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसके लिए एक सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सो अभी इस चैप्टर में आप 1950 से 1990 तक की बातें करोगे, ठीक है। तो चलो बच्चा एक एक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो देखो यार, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हुए, जैसे कुछ जमीन से रिलेटेड लैंड रिफॉर्म्स आए, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्निकल रिफॉर्म्स आए और काफी सारे जनरल रिफॉर्म्स भी आए। तो इन रिफॉर्म्स को, इन इंप्रूवमेंट्स को एक एक से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आओ लैंड रिफॉर्म्स पर। लैंड रिफॉर्म्स को ही इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। देखो बच्चा, लैंड मींस जमीन और रिफॉर्म्स का मतलब होता है इंप्रूवमेंट्स यानी कि चेंजेस, यानी कि जमीन से रिलेटेड कौन कौन से चेंजेस किए गए, जमीन से रिलेटेड बेसिकली, उसी को हम लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। देखो यार, पहले क्या था, समाज के अंदर, देश के अंदर बहुत ज्यादा इनइक्वेलिटी थी। किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखो यार, कुछ किसान ऐसे थे या जमींदार ऐसे थे जिनके पास बहुत जमीन थी, और कुछ किसान ऐसे भी थे जिनके पास बिल्कुल भी नहीं थी या बहुत ही ज्यादा कम थी। तो यार ये जो इनइक्वेलिटी थी ना, सरकार चाहती थी इस इनइक्वेलिटी को कम किया जाए, है ना, इसी को हम लोग लैंड रिफॉर्म्स बोलते हैं। देखो जरा रीड आउट भी करेंगे। सो लैंड रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एम्ड एट रिड्यूसिंग इन इक्वेलिटी इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो सरकार चाहती थी इंडियन एग्रीकल्चर में इन इक्वेलिटी को कम किया जाए। देखो, एंड इंक्लूडेड द फॉलोइंग एक्शंस बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्शंस लिए इन इस इन इक्वेलिटी को कम करने के लिए, जरा वो भी देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है एबोलिशन, मींस हटा देना। किसे हटाया? ऑफ इंटरमीडियरीज। बच्चा ये इंटरमीडियरीज याद है क्या, सरकार और किसानों के बीच में पहले इंटरमीडिएट्स कौन थे, वो थे आपके जमींदार। जमींदार क्या करते थे, किसानों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट करते थे। अगर सरकार कोई इंसेंटिव्स देना चाहती थी तो पहले जमींदारों तक जाते थे, जमींदारों से फिर किसानों के पास पहुंचते थे। तो जमींदार देखा जाए तो हर तरफ से किसानों को, एक्चुअल कल्टिवेटर्स को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट करते थे। तो सरकार ने 1950 में क्या किया, जमींदारों को हटा दो, अब सिर्फ जमीन उसी के हाथों में रहेगी जो वाकई खेतीबाड़ी करेगा, ठीक है। चलो आओ जरा रीड आउट भी कर लो। सो एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट इंटेंडिंग टू अचीव टू ऑब्जेक्टिव, जमींदारों को हटा के सरकार ये दो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती थी। पहला, स्टॉप एक्सप्लोइटेशन, जो किसानों को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट करते थे ना जमींदार, वो भाई एक्सप्लोइटेशन अब बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो। देखो, ऑफ द कल्टीवेटर्स बाय द जमींदार। कल्टीवेटर्स कौन होते हैं, जो वाकई मेहनत करते हैं, वाकई खेतीबाड़ी करते हैं, यानी कि किसान। तो किसानों को जो जमींदार एक्सप्लोइट करते थे उसे बंद करो आप। सेकेंड पॉइंट है गिव इंसेंटिव्स, यानी कि जो भी बेनिफिट्स सरकार पहुंचाना चाहती है किसानों को, वो अब आसानी से बेनिफिट्स पहुंच सके, इसलिए सरकार ने जमींदारों को हटा दिया। चलो और आओ, जरा सेकेंड पॉइंट पर आओ। सेकेंड पॉइंट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। बच्चा अगेन एक नया वर्ड आ गया, सीलिंग, याद होगा शायद, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था पिछले साल, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर। सीलिंग मींस होता है अपर लिमिट, ऊपर होती है सीलिंग, और फ्लोर मींस होता है नीचे, लोअर लिमिट। तो सीलिंग अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम लिमिट,
देखो यार, जैसा कि मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं कि पहले कुछ किसानों के पास, कुछ जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी और कुछ किसानों के पास बिल्कुल भी नहीं थी। तो सरकार ने क्या किया, जमीन के ऊपर सीलिंग लगा दी, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी कि एक इंसान के पास या एक परिवार के पास मैक्सिमम कितनी जमीन होगी वो सरकार ने फिक्स कर दी। अब भाई उस मैक्सिमम लिमिट से अगर तुम्हारे पास ज्यादा जमीन है तो या तो सरकार को दे दो या फिर उन किसानों को दे दो जिनके पास जमीन नहीं है। इससे भी क्या होगा, इनइक्वालिटी कम होगी, जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन मिल जाएगी, वो भी आसानी से खेती बाड़ी कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट था, आओ जरा रीड आउट भी करो। विद अ व्यू टू प्रमोटिंग इक्विटी या इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सीलिंग वर इम्पोस्ट ऑन द होल्डिंग साइज। तो बच्चा होल्डिंग साइज के ऊपर सीलिंग लगा दी गई। सो सीलिंग होता क्या है वो भी पढ़ दो। इट इंप्लाइज फिक्सेशन ऑफ द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कुड ओन। एक इंडिविजुअल के पास, एक फैमिली के पास मैक्सिमम कितनी जमीन होना चाहिए ये आपकी सीलिंग कहलाती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर आओ भाई। अच्छा हाँ, पॉइंट याद करते हुए चलना। पहला पॉइंट कौन सा था, जमींदारों को हटा दिया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। दूसरा पॉइंट क्या था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अभी तीसरा और, तीसरा है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। अच्छा बच्चा, इस पॉइंट से रिलेटेड जरा पहले चैप्टर में एक पॉइंट पढ़ा था हमने, जरा याद करो। पहले किसानों के पास लैंड होल्डिंग्स कैसी थी, वो थी फ्रेगमेंटेड, याद है ना। फ्रेगमेंटेड मींस बिखरी हुई, एक टुकड़ा जमीन का यहां पर है, जमीन का एक खेत मतलब किसान का एक खेत कहीं और है, एक छोटा सा खेत कहीं और है, मतलब बिखरी हुई जमीन थी यार किसानों के पास, ठीक है। सरकार ने क्या किया, कंसोलिडेशन का मींस इकट्ठा कर देना, यानी कि एक किसान को एक ही जगह पर जमीन दे देना, उसे बोलते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो जब जमीन बिखरी हुई थी ना तो किसान सारी जमीन पर ध्यान नहीं दे पाता था, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी कम थी। दूसरी चीज, मशीन्स का प्रयोग पॉसिबल नहीं था, कैसे चलाओगे मशीन से यार, छोटे छोटे पार्ट्स में खेत बटे हुए तो बड़ी दिक्कत थी। सरकार ने क्या किया, एक किसान को एक ही जगह जमीन दे दी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मशीन का प्रयोग बढ़ा, बहुत कुछ बेनिफिट हुआ, ठीक है। सो विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन, देखो आ गया भाई फ्रेगमेंटेशन, बिखरी हुई जमीन थी ना उसको कम किया गया। सो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग वॉज अकॉर्डेड ए हाई प्रायोरिटी। बाकी बच्चा ईयर 2004 की बात करें तो मोर देन 1633 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड का क्या किया गया था, कंसोलिडेशन किया गया था। कितना, 1633 लाख हेक्टेयर। एक बात याद रखना, जितने भी पॉइंट्स में आपको डेटा मिले, डेटा को स्पेशली याद किया करो, क्योंकि ध्यान रखना बेटा जब एग्जाम होंगे ना, फाइनल एग्जाम, तो यार कॉपी तो 30-30 पेज सब भर के आएंगे, लेकिन नंबर सबके डिफरेंट आएंगे। डिफरेंस पता है कहां पर आता है, देखो यार रद्दी तो खूब भरते हो तुम लोग, बिना मतलब की बातें मन से तो खूब लिख के आते हो, लेकिन जो डेटा लिख के आता ना, डेटा ध्यान रखना, नंबर्स थ्योरी के बीच में नंबर्स अलग चमकता है, डेटा अलग चमकता है, तो उसके नंबर भी अलग चमकते हैं। इसलिए बार बार कहूंगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ा सा डेटा तो याद करना ही पड़ेगा। चलो खैर, यहां बात आप समझ गए, तीन पॉइंट हो गए, चौथे पॉइंट पर आओ। चौथा पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ रेंट। अब जो रेगुलेशन वर्ड है बच्चा सुना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून, ठीक है। सो कानून बनाया गया किसके ऊपर, रेंट के ऊपर, किराए के ऊपर। अब देखो पहले की बात में शायद आपको याद हो कि क्या होता था, जब किसान लोन लेता था, उधार लेता था जमींदारों से या फिर साहूकारों से, तो क्या होता था, उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था, और कई बार तो इतना इंटरेस्ट लिया जाता था कि उसकी पूरी की पूरी जमीन चली जाती थी। तो यार अच्छा काम सरकार ने यहां पर यह किया कि रेंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर अब कानून बना दिया गया, और सरकार ने यह फिक्स किया कि कोई भी अब 1/3 से ज्यादा रेंट नहीं वसूल सकता, जो क्रॉप का जितना भी अमाउंट है उसके 1/3 से ज्यादा रेंट नहीं वसूला जा सकता, जिससे क्या है, किसानों की अब जमीन नहीं जाएगी, किसानों की जमीन अब किसानों के पास ही रहेगी। चलो देखो जरा, टू पुट एन एंड टू दी एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सॉर्टेंस फ्रॉम दी कल्टीवेटर्स। तो बच्चा बिना मतलब में इलीगली तरीके से कल्टीवेटर्स को लूटते थे, रेंट्स वर रेगुलेटेड। अब रेंट्स के ऊपर भाई रेगुलेशंस बना दी गई, दीज वर नॉट एक्सीडेड 1/3 ऑफ दी वैल्यू ऑफ क्रॉप। तो क्रॉप की वैल्यू का 1/3 से ज्यादा रेंट किसी भी किसान को नहीं देना, कानून बना दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, अब ध्यान दिया गया कोऑपरेटिव फार्मिंग पे। देखो बच्चा कोऑपरेटिव वर्ड तो सुना है भैया, कोऑपरेटिव मिलके काम करते हैं, सब मिलके खेती बाड़ी करते हैं, वही आपकी कोऑपरेटिव फार्मिंग कहलाती है।
यार ऐसा है, देखो मैं यार अकेले मार्केट में जाऊं, चाहे तो मैं सीड्स वगैरह परचेस करने जाऊं, या फिर मैं अपना आउटपुट, अपनी जो गेहूं चावल वगैरह है, या फिर मैं उसे बेचने जाऊं, अकेला इंसान वो होता है ना, थोड़ा हल्का पड़ जाता है। तो क्या होता है, वो ज्यादा प्राइस पे खरीद लेता है और कम प्राइसेस पे अपना सामान बेच देता है, यानी कि उसे थोड़ा सा नुकसान होता था। इसलिए सरकार ने जोर दिया कि भाई कोऑपरेटिव फार्मिंग करो, बल्क में सामान लेके आओ, सब लोग इकट्ठे जाओ, मिलके जाओ और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, सीड्स वगैरह इकट्ठा लेके आओ, जिससे सस्ता पड़ेगा, आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। और सरकार ये भी चाहती थी कि जब आप अपना आउटपुट बेचने जाओ ना, तो सब मिलके कलेक्टिवली बेच के आओ, जिससे क्या होगा, आपकी भाई बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, आप ज्यादा से ज्यादा आप प्राइस चार्ज कर पाओगे। अलग अलग जाओगे तो भाई कम से कम प्राइस में बेच दोगे, कलेक्टिवली जाओ, मिलकर काम करो सब लोग, ठीक है। तो सरकार ने उस पर भी जोर दिया, देखो जरा। सो कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज प्रमोटेड टू इनहेंस बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। तो स्मॉल होल्डर्स की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के लिए सरकार ने कोऑपरेटिव फार्मिंग पर जोर दिया। उसके बाद आओ, कलेक्टिवली द फार्मर्स कुड बाय इनपुट्स एट लोअर प्राइस एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ हायर प्राइस। बाकी बच्चा छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस पीडीएफ को यार एक बार रीड जरूर कर लिया करो, ठीक है। सारे पॉइंट रट जाएंगे आपको। चलो आगे बढ़ो भाई, 5 पॉइंट हो गए। इसके बाद पॉइंट तो बच्चा इतने ही थे, बट एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी समझ लो। देखो, पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो बच्चा जो लैंड रिफॉर्म्स थे ना, उनका इंप्लीमेंटेशन पार्शियल हुआ। पार्शियल मतलब, पार्शियल वर्ड तो सुना है ना, जहां से कंप्लीट ना हो उसे हम पार्शियल कहते हैं, यानी कि आधा अधूरा। सो हुआ क्या, जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो देश के अंदर पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किए गए। बेसिकली कुछ जगह तो इंप्लीमेंट हुए, लेकिन कुछ जगह नहीं हुए। लैंड रिफॉर्म्स जहां ठीक तरीके से आने चाहिए, वहां जमींदारों ने भी पंचायतें की। अब क्या क्या हुआ, रीड आउट करेंगे, बेटर क्लियर होगा। आओ जरा। सो लैंड रिफॉर्म्स वर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और केरला। बच्चा सबसे बड़ी मुसीबत, ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे कहां कहां आए भाई, पूरा देश एक तरफ, वेस्ट बंगाल और केरला एक तरफ। तो समझ रहे हो, पूरे देश में ठीक तरीके से लागू नहीं हुए लैंड रिफॉर्म्स। और इसके बाद इन मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लैंड रिफॉर्म्स वर ओनली प्रोपेगेटेड। भाई बोला तो कैसा होगा, बट वाकई में एक्चुअली में इंप्लीमेंट नहीं हुए एंड नॉट effectively implemented. This was because of the two reason. अब ऐसा क्यों हुआ बाकी देश के क्षेत्रों में, उसके दो कारण है। देखो जरा क्या कारण है। सबसे पहला, the जमींदार्स in most cases managed to evict the tenants. यार देखो, जमींदारों ने क्या किया, tenants को, किसानों को फिर भी जबरदस्ती उनका शोषण किया। देखो सरकार ने तो कहा कि भाई किसानों को जमीन दे दो, लेकिन जमींदार फिर भी अड़े रहे, किसानों से फिर भी लड़ते रहे कि नहीं, ये जमीन तुम्हारी नहीं, ये जमीन मेरी है। यानी जमींदार ने जबरदस्ती किसानों का फिर भी शोषण करना जारी रखा, एस कल्टीवेटर्स एंड लेजिटिमेट ओनर्स ऑफ द सोइल। और सेकंड पॉइंट था, लीड द लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड सीलिंग। अब जो जमीन के मालिक थे ना, उन्होंने भाई लैंड सीलिंग को चैलेंज किया। चैलेंज का मतलब कोर्ट में केस कर दिया कि भाई हमें लैंड सीलिंग से ज्यादा जमीन चाहिए, कोर्ट केस कर दिया, ठीक है। अब हुआ क्या, कोर्ट केस जानते हो पहले के समय में बहुत ज्यादा समय लगता था। तो हुआ क्या, ये जिनके पास ज्यादा जमीन थी ना, उन्होंने अपने रिश्तेदारों को देना स्टार्ट कर दी जमीन। भाई जिनके पास जमीन नहीं है, जिन रिश्तेदारों के पास कम जमीन है, उनको उन्होंने उनके नाम पे करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हुआ क्या, जो वाकई किसान है, जिसको वाकई जमीन मिलनी चाहिए, उनको जमीन ना मिल करके बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में या बड़े बड़े साहूकारों के हाथ में ही जमीन रही। इस वजह से ये जो लैंड रिफॉर्म्स है, ये ठीक तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। और इतनी तो उम्मीद करूंगा कि एक बार आप लोग रीड जरूर करोगे, जिससे आपको परफेक्ट तरीके से याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए। तो बच्चा लोग फिलहाल बस भाई फिलहाल, बाकी आप लोग के लिए पीडीएफ कर लेता हूं सेव। पीडीएफ आपको मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बच्चा लोग ऐप इंस्टॉल करोगे और पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे संपर्क भी करोगे, ठीक है। ये लो बच्चा, पीडीएफ हो गई सेफ। बाकी बच्चा लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर एक चीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी बच्चा लोग, आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।